हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चौका हेवन। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही सिंपल सब्जी आलू टमाटर की सब्जी को बनाना सिखा रही हूँ, लेकिन आज मैं इस सिंपल सब्जी को इतने खास तरीके से बनाऊंगी कि यही सब्जी स्पेशल बन जाएगी। दोस्तों, बात यही होती है कि चीज़ें तो सिंपल होती हैं, लेकिन उन्हें बनाने का तरीका स्पेशल होता है, जिससे कि वो खास बन जाती हैं। तो देखिए, मैंने सबसे पहले तेल लिया, मैंने लगभग 3 टेबल स्पून तेल डाला और उसमें कच्चे आलू को काट करके मैंने डाला है। अब मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी। मैंने 6 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, जिन्हें मैंने फ्राई करने के लिए रखा है। अब देखिए, मैंने डाला है इसमें 1 टीस्पून सादा नमक, जिससे कि आलू अच्छे ढंग से फ्राई तो होंगे ही, साथ ही साथ गलेंगे भी अच्छे से। आप इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लीजिए। तो देखिए, आलू गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, हमें बहुत ज़्यादा नहीं तलना है, बस हल्का सा ही गोल्डन ब्राउन करना है। अब हम इन्हें अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। दोस्तों, ये सब्जी वही सब्जी है जो आप भंडारे में भी खाते हैं, या फिर सुबह सुबह कचौड़ी या पूरी के साथ भी खाते हैं, और दोस्तों हलवाई भी बिल्कुल इसी स्टाइल में सब्जी बनाते हैं। चलिए, बाकी बचे हुए तेल में हम कुछ मसाले डाल लेते हैं। दोस्तों, मैंने डाला है 1 चम्मच जीरा, 2 से 3 चुटकी हींग और आधी चम्मच हल्दी। इसके बाद मैं 1 चम्मच देगी मिर्च डालूंगी, इससे ज़्यादा तीखापन तो नहीं आता, रंग भी बहुत अच्छा आता है। अब मैंने 2 हरी मिर्च को लंबे आकार में कट करके डाल लिया है। इन्हें हल्का सा 4 से 5 सेकंड तक भूनेंगे और आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। देखिए, मैंने 3 टमाटर की प्यूरी को इसमें डाला है। आप चाहें तो महीन महीन टमाटर को कट कर लीजिए, वैसे भी डाल सकती हैं। अब हम ये टमाटर की प्यूरी को लगभग 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। दोस्तों, आपने आलू टमाटर की सब्जी तो पहले भी खाई होगी, लेकिन आप मेरे तरीके से सब्जी बना करके देखिएगा, सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। देखिए, टमाटर की प्यूरी पक करके एकदम तैयार है। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा बॉयल देना है, जिससे कि तेल में पड़े मसालों का फ्लेवर अच्छे ढंग से टमाटर में आ जाए। तो टमाटर पक चुका है, इसके बाद जो हमने आलू फ्राई किए थे उन्हें हम इसमें डाल देंगे और अच्छे ढंग से मिला लेंगे। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर पहले भी कई सारी रेसिपीज़ की वीडियोस को अपलोड किया हुआ है। आप मेरे चैनल चौका हेवन को विज़िट कीजिए, बहुत ही अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। तो देखिए, आलू और टमाटर अच्छे ढंग से उबल चुके हैं, अब हम इसमें कुछ मसाले और ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने डाला है 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच सब्जी मसाला, और इसके बाद मैंने स्वाद के अनुसार सफ़ेद नमक डाला है और थोड़ा सा मैंने काला नमक डाला है। इसके बाद मैंने 1 तेज़पत्ता डाला है। अब हम इन मसालों को और नमक को अच्छे ढंग से सब्ज़ी में मिला लेंगे और 1 मिनट तक चलाते हुए पका लेंगे। दोस्तों, इसके बाद मैं इस सब्ज़ी को बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए एक खास चीज़ डालूंगी, चलिए देखते हैं वो क्या है। अब मैंने लिया है 1 कप दूध। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस सब्ज़ी में 1 कप दूध का यूज़ करते हैं तो सब्ज़ी आपकी बहुत लाजवाब बनेगी, एकदम अलग स्टाइल से बनेगी और बहुत ही अच्छा स्वाद भी होगा। आप इस तरह से सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा। और दोस्तों, अगर आपको यह सब्ज़ी बनाने का तरीका पसंद आता है, मेरी रेसिपी बनाने का तरीका पसंद आता है, तो मेरे वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और हाँ, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, सब्ज़ी आपको जितनी पतली रखनी है उस हिसाब से आप पानी को ऐड कर लीजिए और कुकर का ढक्कन लगा कर 2 सीटी आने तक पका लीजिए। देखिए, 2 सीटी आ चुकी हैं। अब इसका प्रेशर रिलीज़ होने के बाद मैं कुकर को खोल लूँगी और आपको दिखाऊंगी सब्ज़ी कैसी बनी है। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी नई नई रेसिपीज़ आपको मिलती रहेंगी, यूज़र नेम चौका हेवन है। देखिए, कुकर का प्रेशर रिलीज़ होने के बाद मैंने खोला। अब मैं आपको सब्ज़ी को दिखाती हूँ ये किस तरह से बनी है। देखिए, एकदम गाढ़ी और अच्छे कलर की, अच्छे टेक्स्चर की और बहुत ही अच्छे स्वाद की सब्ज़ी बनी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये रेसिपी पसंद आए, तो फटाफट से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आप इस सब्ज़ी को पूरी, चावल, कचौड़ी, नान किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि अगली रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हैं। देखिए, मैंने धनिया पत्ते से सजा दिया है, सब्जी एकदम तैयार है। अब मैं जाती हूँ नई रेसिपी बनाने, तब तक ले बाय, सी यू।